लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की ओर से नेपाल से भारी मात्रा में शराब की तस्करी देश में की जाती है। ऐसे चुनाव प्रभावित होने की आशंका रहती है। साथ ही चुनाव आचार संहिता पर दूसरे लोग सवाल उठाते हैं। इसको देखते हुए शासन के आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने भारत नेपाल सीमा पर अंतरिम आबकारी चेक पोस्ट स्थापना करने के निर्देश दिए थे। मंडल आबकारी अधिकारी राजेश ने बताया कि शासन के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर रुपईडीहा में आबकारी चेक पोस्ट की स्थापना कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही इसका संचालन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस चेक पोस्ट के द्वारा भारत से नेपाल और नेपाल से आने जाने वाले लोगों पर नजर रहेगी। कि सबसे प्रथम तैयारी हमारे यहाँ एक अस्थायी चेक पोस्ट निर्मित हुई है और इस पर 24 आवर हमारे टीम तैनात रहती है और चेकिंग करती है प्रत्येक वाहन जो गुजरता है इधर से। हर पाली में 8-8 घंटे की शिफ्ट है, हर शिफ्ट में एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में चेकिंग होती है और हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारी चेक पोस्ट से या इस इलाके से कोई अवैध मदिरा आगे नहीं जा पाएगी, न चुनाव को प्रभावित कर पाएगी। हम अपने कार्य को प्रति बहुत सतर्क और सजग हैं।